नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने ये व्याख्याता भर्ती के लिए प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है। 16 अप्रैल 2019 को यहाँ प्रेस विज्ञप्ति में लिखा है, लोक शिक्षण संचालन के अंतर्गत व्याख्याता गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, वाणिज्य ई एवं टी संवर्ग भर्ती परीक्षा एवं व्याख्याता अंग्रेजी ई एवं टी संवर्ग भर्ती परीक्षा ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में प्रेस विज्ञप्ति है। तो दोस्तों, ये परीक्षा जो है वो होगा 14 जुलाई 2019 रविवार को। तो परीक्षा का समय है, पहले में है व्याख्याता गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, वाणिज्य ई एवं टी संवर्ग का, ये 9 बजे से 12 बजे तक होगा। और व्याख्याता अंग्रेजी का जो है वो 2 बजे से 5:15 बजे तक होगा। और इसकी ऑनलाइन आवेदन की तिथि, प्रारंभिक तिथि जो है वो 16/4/2019 मंगलवार को प्रारंभ हुआ है, मतलब कल प्रारंभ हुआ है। और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो 12 मई रविवार को है अंतिम तिथि। और व्यापम की वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि जो है वो 8 जुलाई 2019 को इसका प्रवेश पत्र जारी होगा। और परीक्षा केंद्र प्रदेश के 5 संभागीय मुख्यालय में होगा। तो दोस्तों, ये प्रेस विज्ञप्ति है, ये 16 अप्रैल को जारी हुआ है छत्तीसगढ़ में व्याख्याता भर्ती के लिए। तो दोस्तों, इसका ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है उसके लिए चलते हैं हमारे क्रोम मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र में। तो दोस्तों, हम अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र में आ गए हैं। इसमें टाइप करना है आपको cgvyapam.choice.gov.in और ओके में क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप ओके में क्लिक करोगे, आप व्यावसायिक परीक्षा मंडल के वेबसाइट में पहुंच जाओगे। अब उसके बाद देखिए, ये रेड कलर में दिख रहा है दूसरे नंबर पर, लोक शिक्षण संचालन के अंतर्गत व्याख्याता अंग्रेजी भर्ती परीक्षा, ये दिया हुआ है। और उसके नीचे लिखा है गणित, भौतिकी, रसायन, जो हल्का ग्रीन कलर में है उस पे। तो आप इनमें से जो भी, जिसका भी भरना चाहते हैं उस पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि हम ये रेड कलर का जो है उसमें क्लिक कर दिए इंग्लिश वाले में। तो आप देखोगे कि ये हमारे पास एक नया विंडो खुल गया। अब इस विंडो को देखोगे तो ये पूरा परीक्षा नियम वगैरह, सिलेबस सारे चीज़ दिया हुआ है। तो इसमें आप क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। और इसको डाउनलोड करके आप पहले पढ़ लीजिए एप्लीकेशन भरने के पहले, क्योंकि करेक्शन करने की कोई गुंजाइश नहीं है। साफ साफ लिखा है परीक्षा निर्देश में, इसको डाउनलोड करके आप पढ़िए। और उसमें साफ लिखा है कि कोई करेक्शन की गुंजाइश नहीं है, फॉर्म को आपको अच्छे से भरना है। तो अब आ जाइए, ये 90 नंबर पे दिख रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, इस पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इसको इसमें क्लिक करोगे तो आप के सामने एक नया विंडो खुल जाएगा। अब इसमें पूछ रहा है कि आप छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी है यस में टिक कीजिए। क्या आप विज्ञापित पद के लिए आपेक्षिक अर्हता रखते हैं, तो यस में टिक कीजिए। अगर है आपके पास डिग्री तो आप ई संवर्ग में करना है कि टी संवर्ग में करना है, उनमें से जिसमें भी करना है, मान लेते हमने ई में टिक कर दिया। अब उसके बाद पूछ रहा है कि क्या संबंधित विषय में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में उपाधिधारी हैं, स्नातकोत्तर उपाधिधारी हैं, तो यस पे क्लिक करना पड़ेगा क्योंकि व्याख्याता का पोस्ट है। क्या आप बीएड के उपाधिधारक हैं, तो यस पे क्लिक करना पड़ेगा क्योंकि इसमें बीएड की ज़रूरत है। तो जैसे ही आप इसमें क्लिक करोगे, नीचे एक फॉर्म भरने के लिए नया विंडो खुल जाएगा। तो दोस्तों, ये फॉर्म को आप फिलअप कर देंगे, पूरा हर चीज़ भर देंगे। उसके बाद में सबमिट पे क्लिक करेंगे नीचे जाके, तो आपको पेमेंट ऑप्शन आएगा कि फीस कितना भरना।
है जो आप नेट बैंकिंग से मोबाइल रिचार्ज करते हैं या बिजली का बिल पे करते हैं, ठीक वैसी एटीएम से भी आप इसका कर सकते हैं। तो बस दोस्तों, यही जानकारी आपको देना था। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। बाय, टेक केयर।